आवासीय और डे बोर्डिंग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ झारखंड के रांची में किया गया था, खेलगांव में। यहाँ पे देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कितने सारे बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पे कम से कम 2600 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिता थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और आज यहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का है और यहाँ पे फाइनल प्रोग्राम चल रहा है, फाइनल चल रहा है, ये फुटबॉल का फाइनल चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है, जिन्हें आज प्राइज दिया जाएगा। और प्राइज देने के लिए महुआ मांझी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं वो आई हुई हैं, यहाँ पे खेलकूद निदेशक हैं झारखंड की वो हैं। और यहाँ पे हम खिलाड़ियों से बात करेंगे, वो किस खेल से हैं और यहाँ पे उन्हें जीत मिली है या हार मिली है। आप कहाँ से आए मैडम? लेकिन अपनी बाली कौन से खेल खेलते हैं? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से हैं आपके? अंडर 19 या अंडर 14? एक और गोल यहाँ पे अंडर 14। कौन जीता आपको? आप लोग सेकंड हुए? यस। तो ये लोग सेकंड हुई हैं, ये लोग वॉलीबॉल की प्लेयर हैं। और यहाँ बता दें कि अंडर 14 और अंडर 19 दो वर्ग के खिलाड़ी हैं, दोनों महिला और पुरुष, बालक और बालिका दोनों वर्ग में यहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। अलग अलग झारखंड के अलग अलग डे बोर्डिंग और आवासीय विद्यालय से ये लोग सब आए हुए हैं। यहाँ पे छोटी बच्ची भी, इनसे ही बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? महावेश्वरा। कौन सा खेल खेलते हैं आप? आर्चरी। आर्चरी में कौन जीता आप लोग में? हम भी जीते। बहुत बहुत स्वागत हमारे मुख्य मंच पे, राज्य स्तरीय अंतर आवासीय एवं डे बोर्डिंग। ये फ्यूचर में जाके ओलंपिक तक जाए ये हमारी आशा है। और अभी यहाँ पे इस टूर्नामेंट में इन्होंने जीत हासिल की और कुछ देर बाद मांडर विधानसभा जी का भी अवार्ड दिया जाएगा। यहाँ पे धन्यवाद करके मांडर विधानसभा पहुंच चुकी है, देख सकते हैं यहाँ खिलाड़ियों में उत्साह कितना ज्यादा है। और यहाँ पे खेला जा रहा है प्रतियोगिता बालक वर्ग के लिए भी थी। और यहाँ बालक वर्ग के भी बहुत सारे बैठे हुए हैं बच्चे। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, क्या खेलते हैं भैया? हॉकी खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं, कौन जीता आप लोग का वर्ग में? कौन सा टीम जीता? तोरपा टीम। तोरपा टीम जीता जी। आप लोग? हम लोग लेकिन कोई बात नहीं है। कब से खेलना स्टार्ट किया? अभी तो बच्चे ही हैं, छोटे ही हैं। 3 साल हो गए। 3 साल से खेल रहे हैं बॉल का। ये 3 साल से खेल रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने इनकी टीम जीती है यहाँ पे और थोड़ी देर में इनकी टीम को दिया जाएगा अवार्ड। इस मैच देख सकते हैं यहाँ पे 2600 प्लेयर हैं, अलग अलग आवासीय और डे बोर्डिंग से सब आए हुए हैं और सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और शानदार तरीका और यहाँ पे शानदार तरीके से लड़ाई करो और बरो का मैच सभी गेम में पार्टिसिपेट किया था और जीत हार अलग चीज है। इन दोनों टीमों के पास जीत और हार तो अलग चीज है, खेल में भाग लेना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे सभी खिलाड़ी जो है खेल में भाग लिए हैं और फ्यूचर में जाके यही होंगे जो देश का नाम रोशन करेंगे और ओलंपिक में जाके मेडल लाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।